बोकारो जिला की पहली कोरोना संक्रमित महिला के साथ कुल 4 व्यक्ति बोकारो जनरल हॉस्पिटल से पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। सभी तेलो निवासी हैं। वर्तमान में अब तक कोई और मामला सामने नहीं आया है। यह बोकारो वासियों के लिए खुशी की बात है। चारों मरीजों को उनके स्वस्थ होने पर बोकारो उपायुक्त नितेश कुमार, चास एसडीओ सहित बीजीएस के डॉक्टर, स्टाफ व मीडिया कर्मियों द्वारा तालियां बजाकर हौसला अफजाई किया गया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि उम्मीद जगी है, हम कामयाब हो रहे हैं, कोरोना को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि छोड़े जा रहे चारों स्वस्थ व्यक्तियों को घर पर ही क्वारंटाइन में रहना होगा। कुछ प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना होगा। डॉक्टर की टीम की देखरेख में अभी रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि घर पर ही सतर्कता जरूरी है, घर में रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें। पवित्र रमजान के त्यौहार में शुरुआत के दिन में स्वस्थ व्यक्तियों को छोड़ा जाना खुशी की बात संकेत है। उपायुक्त ने बीजेएस के डॉक्टर व उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि सुपर हीरो हैं आप लोग। सीओ साहब भी रेगुलर हम लोग के संपर्क में थे, लगे हुए थे और खिदमत किए, और जितने डॉक्टर हैं यहाँ के नर्स हैं सबको धन्यवाद करते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो जितने भी थे अंदर में डॉक्टर नर्स, ये सब अच्छे अखलाक वाले, मोहब्बत वाले थे। बिहेव भी बहुत अच्छा था इनका, और बहुत अच्छा ये मैसेज जाएगा जैसा हम लोग का खिदमत हुआ है। और ये कोरोना का मरीज होना ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये घबराने की भी बात नहीं है, और डॉक्टरों को भी घबराने की बात नहीं है, और पेशेंट को भी घबराने की बात नहीं है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक से रहे और ठीक होकर जा, नहीं कि चीज़ें खत्म हो गई हैं, लेकिन ये ज़रूर जो है एक आशा, एक किरण बनकर जो है आज हम लोग अगर 4 मरीजों को भेज रहे हैं स्वस्थ करके, निश्चित तौर से अभी और इनका कुछ प्रोटोकॉल है। अभी घर के भीतर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, 14 दिन तक घर के भीतर रहना है, और अभी हम लोग लगातार जो है मेडिकल सर्विलांस जो है इनके ऊपर रखेंगे ताकि नज़र रहे, ताकि तबीयत जो है इनकी बिल्कुल दुरुस्त हो गई है, फिर से कोई फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो एकदम रिलैक्स भी नहीं होना है, लेकिन घर के भीतर रहिए, खुशी के माहौल में रहिए, लेकिन एक दूसरे से दूरी बना के रखिए। मैं पूरा श्रेय जो है डॉक्टर गौतम और उनकी पूरी टीम को, डॉक्टर ए के सिंह साहब और उनकी पूरी टीम को देता हूँ। निश्चित तौर से जो प्रशासनिक काम है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो है मूलतः और अंततः जो है डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ यही बधाई के पात्र हैं, और ये लोग भी एक तरह के कोरोना वॉरियर हैं जो इस जंग को जीत कर जो है यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। एक अच्छा संदेश लेके जाइए, और बड़े ही अच्छे दिन के ऊपर, इनफैक्ट जो रिजल्ट भी आया बड़े अच्छे दिन के ऊपर आया। आज से जो है आज ही से रमजान की शुरुआत हो रही है, एक अच्छे दिन के ऊपर भी आया, लेकिन अभी जो है हम लोग को यथासंभव इसको अवॉइड भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी जो है सबसे बड़ा संबल है। डिहाइड्रेशन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। तो आप स्वस्थ हो, खूब अगली बार खूब धूमधाम से इन चीज़ों को करें, इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ये आपका निजी मसला है, लेकिन अभी आपके शरीर को इससे संकट हो सकता है, इसलिए जो डॉक्टर साहब ने आपको ब्रीफ करा है उसका ध्यान रखिए, और सब लोगों को बधाई। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बाकी भी जो मरीज हैं बारी बारी से हम लोग उनको इसी तरह से क्योर करके डॉक्टर ए के सिंह साहब और डॉक्टर गौतम और बाकी जिन डॉक्टर्स का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वो सब भी जो है जिस तन्मयता के साथ, जिस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, उन सबको बहुत बधाई, और हम लोग आगे भी इसको मॉनिटर करते रहेंगे, और उम्मीद करें कि बाकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको बहुत बखूबी हम लोग उसका पालन करें। बहुत धन्यवाद।